हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस देखा था कंडक्टर का। उसमें हमने स्फेयर का कैपेसिटेंस निकाला था। कितना आया था उसका फॉर्मूला? सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करके हमने फॉर्मूला निकाला था। आज हम क्वेश्चन करते हैं, उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कैलकुलेट या एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एन आइसोलेटेड स्फेयर An isolated sphere has given a charge has capacitance 50 microfarad। ठीक है, 50 microfarad हो गया। अब आपसे निकालना है, इसमें फर्स्ट आपको करना है कैलकुलेट। पहला पार्ट है रेडियस ऑफ स्फेयर। ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस बताइए। और जो सेकंड नंबर पे आपका टॉपिक है रेडियस ऑफ स्फेयर के साथ, सेकंड जो है आपका वो है क्या, रेडियस ऑफ स्फेयर के बाद सेकंड हमने कह दिया है हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्ज शुड इट बी गिवन इफ इट हैज टू एक्वायर पोटेंशियल ऑफ 10^4 वोल्ट। तो आपसे यहां पे दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि भाई इसके पास कितना कैपेसिटी, किसकी रेडियस क्या होगी। जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, स्फेयर दिया था, उसमें इस तरीके से चार्ज आ रहा था। तो हमने कहा भाई वी का फॉर्मूला होगा, अगर इसकी रेडियस आर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, अगर इसके पास चार्ज क्यू है। फिर हमने बोला था सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है बच्चों, उससे फॉर्मूले में पुट किया था तो Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r था। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया था तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आर हमसे पूछा जा रहा है, वो हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × C हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबको पता है 9 × 10^9 होता है, और सी की वैल्यू आपको गिवन है। सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 microfarad। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 50 microfarad है, माइक्रो होता है आपका 10^-6 फेरेड हो गया। तो आर आपका आ गया, इसकी वैल्यू 9 × 10^9 इंटू सी की वैल्यू है 50 × 10^-6। तो आपके पास 9 × 5 = 45 हो जाएगा, जीरो लगा लो, यहां पावर रह जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको आप मुझे वैसे लिखना है कि मैं चाहूं कि भाई नहीं मुझे 4.5 में लिखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, 100 से डिवाइड कर देना चाहिए और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 4.5 × 10^3 ये है, 2 यहां से आ जाएंगी, 5 इतनी मीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो 4.5 × 10^5 मीटर की हो जाएगी, अगर हम उसको 50 microfarad का चार्ज देना चाहते हैं। नोट करिए जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन है कि हमें उसको कितना पोटेंशियल, अगर हमें उसके पास उसको पोटेंशियल एक्वायर करना है 10^4 वोल्ट का, तो क्या करना चाहिए हमें। देखिए सेकंड पार्ट इसका करवाते हैं, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि अगर उसको वी इक्वल टू 10^4 वोल्ट चाहिए तो हमें कितना चार्ज उसको देना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो भाई क्यू इज इक्वल टू सी वी, आपके पास सिंपल फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू सी वी होता है, सी अभी आपने निकाला था, उस सी की वैल्यू को आप वी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सी जो अभी आपने निकाला है उस सी की वैल्यू को आप वी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपका उतना चार्ज होगा, उतना कूलम चार्ज चाहिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितना चार्ज उसको चाहिए, तो आपने पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चार्ज निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर कैरिंग चार्ज 10^-12 कूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास क्या चीज है, देखिए हमारे पास देखो पहले है क्या 27 ऐसे समझ लो आप, ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ये 27 है, ये आपकी 1 ड्रॉप बन गई, बड़ी ड्रॉप बना दी 27 ड्रॉप। तो इस छोटी ड्रॉप की आपको रेडियस दी हुई है और ये कितना चार्ज कैरी कर रही है ये दिया हुआ है आपसे। इस बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है और आपसे इसका पोटेंशियल पूछा जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है, आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। और आपसे दूसरी चीज पूछी जा रही है कि भाई इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले तो देखिए कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। आप पहले तो थोड़ी देर ऐसे ही बात कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन के फर्दर पार्ट की। देखिए क्या करना है मुझे, आप अगर बात करते हैं आप छोटी छोटी ड्रॉप्स को ले रहे हैं, ड्रॉप कैसी होती है स्फेरिकल। आप मिलने के बाद मैंने आपको एक छोटा पीछे भी क्वेश्चन करवाया था पोटेंशियल में, इसी टाइप का क्वेश्चन था कि जिसमें आपके पास जो छोटी ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन रही थी, तो मैंने उसके लिए एक चीज समझाई थी आपको। क्या बोला था मैंने, बोला था बच्चों कि आपके घर में जैसे मम्मी रोटी बनाती है तो क्या करती है, आटे की लोई बनाती है, तो वो लोई को अगर आप रखो या पूरे आटे को रखो उनको मिला दो तो दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा। वॉल्यूम उस बड़े वाले आटे का और वॉल्यूम उन छोटी लोई का बराबर रहेगा। तो आपको इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। और साथ में आप देखोगे जो बड़ी ड्रॉप भी होगी पानी की, जो बड़ी ड्रॉप बनेगी 27 छोटी छोटी ड्रॉप को मिला के स्फेरिकल बनेगी। तो कोई हिंट मिल रहा है आपको अपनी बेसिक, जैसे आपकी अपनी लाइफ में देख करके आपने कहा स्फेरिकल होगा, तो उससे आपको एक हिंट मिल रहा है कि भाई स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा है। स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या था, C = 4πε₀r। इस बड़े वाले का मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, तो बेसिकली मुझे अगर मैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर कहता हूं तो मुझे 4πε₀ और आर अगर मैं लगा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आर। अगर मुझे आर पता है, आर मींस रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, अगर मुझे रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप पता है उसको 4πε₀ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सीधे आंसर आ जाएगा। बट मुझे जो बड़ी ड्रॉप है उसकी रेडियस नहीं मालूम है तो वो मुझे निकालना है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज स्मॉल आर एंड ऑफ बिगर ड्रॉप इज कैपिटल आर। तो यहां पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। अगर वो छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स को आप मिला देते हैं, सारी की सारी को मिला देंगे तो क्या होगा, तो आपके पास उनका जो सम होगा वो निकल के आ जाएगा कितना, एक बड़ी ड्रॉप की बात करेंगे तो ये भी स्फेरिकल है। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4π3πr³, और यहाँ पे 27 इंटू 4π3πr³, 4π3π से 4π3π कैंसिल हो गया, 27 क्या होता है 3³, और इधर ये r³ है ही। तो क्वेश्चन को हटा देते हैं भाई, याद रखनी है दो चीजें, 3 मिलीमीटर दिया है और ये दिया है, कोई बात, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, याद रहेगा इतना, ठीक है। इधर देखो क्या रहेगा आपका, यहां से आपका r³ हो गया, इधर आपका इसका 3r³ हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो r = 3r, मतलब
जो आपकी बड़ी ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो छोटी वाली की 3 times बड़ी है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, आप गिवन सेक्शन पे जाते हैं जल्दी से। गिवन क्या था, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप स्मॉल आर कितना था बच्चों, 3 millimeter, 3×10⁻³ ठीक है। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा आपका, वो है 3 R, तो 3×3×10⁻³ तो 9×10⁻³ meter हो जाएगा बच्चों 3 R की वैल्यू। बस अब मुझे क्या करना है, बस हो गया खत्म क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्या निकालना था भाई, अब आप यहाँ पे लिख देंगे द ड्रॉप इज स्फेरिकल, द ड्रॉप इज स्फेरिकल हेंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना था, 4π0 × R। अब भाई हमें तो पता है कि 1/4π0 की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ होती है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4π0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके आ गए तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो नाउ C इज इक्वल टू क्या था, कहां गया 4π0 × R, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/9×10⁻⁹ की जगह आर कहां गया, कहां गया ये कैपिटल आर आपका ये है 9×10⁻³। तो यहां ध्यान दीजिए 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर है तो 10⁻², 12 हो जाएगा इसका आंसर 10⁻²। यूनिट तो भाई तुम्हें बता ही रखी है, सोचो तो जरा यूनिट क्या थी इसकी, फैरड, इतना फैरड हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको, और 10⁻⁻ को हम पीको भी बोल देते हैं, तो पीको फैरड भी कर सकते हैं, 1 pF, ये 10⁻²⁰ फैरड लिख दो या 1 pF। तो आपका आंसर में निकल गया है कि भाई जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका जो है 10⁻²⁰ फैरड या फिर 1 pF, ये कैपेसिटेंस निकल गया है। क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट उसने बोला था कि उसका क्या निकालना है, मुझे बोला गया था पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल के लिए मैं जल्दी से फॉर्मूला सोचता हूँ कि भाई वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे पोटेंशियल निकल जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू इज चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप ड्रॉप एंड सी इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑन इट। अब भाई क्यू क्या होगा, अब यहां ध्यान दीजिए, अब आपको एक बात बताओ, छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन रही है। जैसे मान लो एक छोटी ड्रॉप के पास 2 coulomb का चार्ज है, तो 2 drops होती तो कितना होता, तुम कहते 2+2 = 4 coulomb, 3 होती तो 6 coulomb, 4 होती तो 8 coulomb कह लेते, उनको ऐड कर देते एडिटिव प्रॉपर्टी से। तो एक छोटी ड्रॉप पे 10⁻²⁰ का चार्ज है, कितनी है वो 27। तो 10⁻²⁰ कब तक है, 10⁻²⁰ प्लस 10⁻²⁰ कब तक चलेगा, 27 times, तो 27 times 10⁻²⁰ हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, चार्ज किस पे है, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इक्वल टू 27 × चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, तो ये हो जाएगा बच्चों 27 × छोटी वाली पे कितना था 10⁻²⁰। देखो सी तुम्हें पता ही है बड़ी वाली के लिए, क्यू तुम्हें पता चल गया, तो भाई क्या दिक्कत है, पोटेंशियल निकाल दो, पोटेंशियल वी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्योंकि वैल्यू कितनी है 27 × 10⁻²⁰ अपॉन सी कितना है 10⁻²⁰, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका 27 volts। तो आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई कि जो बड़ी ड्रॉप है उस बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा 27 volts हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेस हमने जो बेसिक से क्वेश्चन है वो कर लिए है कैपेसिटेंस पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर, फिर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, वो सब चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।